अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो न्यू जॉब्स जो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, जिसमें टोटल 52 पोस्ट हैं, जिसमें अलग से 10, 15 और 20 तक वैकेंसीज़ है हर पोस्ट में। तो इसकी हम डिटेल देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट हैं और उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन नीडेड है और कौन सी कोटा है, किस डिस्ट्रिक्ट का और किस प्रोविंस का कितना कोटा है। तो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं और यह भी देखने वाले हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसकी फॉर्म वगैरह जो है उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले जॉब टाइटल देखते हैं। डायरेक्टर परचेज़ है, BPS 19, वन पोस्ट है इसमें। और उसके अलावा जो है प्रिंसिपल CMLT, BPS 18, इसमें भी वन है वैकेंसी। उसके अलावा पैथोलॉजिस्ट है और फिर लेक्चरर है, BPS 17, साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी है। उसके बाद देखें तो साइंटिफिक ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजी DVM है। उसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ डिजीज़ सर्विलेंस है और साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर मैनेजर डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन असिस्टेंट कॉस्ट एंड अकाउंट्स ऑफिसर चीफ टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर STO हार्टिकल्चर सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम एनालिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट है। फिर है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, सीनोटाइपिस्ट, स्टोर कीपर है। उसके बाद देखें तो स्टोर कीपर का BPS 14 है, सीनियर टेक्नीशियन है और टेलीफोन ऑपरेटर है। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट में आए 25 नंबर पे तो वो है वैकेंसी जो है वो है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के बाद देंगे तो IT टेक्नीशियन, ट्रबल शूटर, ओवरसीयर, फर्मेंटर टेक्नीशियन, मेडिकल इलस्ट्रेशनिस्ट, जूनियर फोटोग्राफर, BPS 10 है, इसकी भी वन वैकेंसी है। उसके अलावा देखें तो टेक्नीशियन असिस्टेंट है, फार्म सुपरवाइज़र है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन, इसकी 11 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा वेटरनरी असिस्टेंट, पावर इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन। उसके अलावा है LDC, जिसकी 12 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट स्टोर कीपर, एनिमल सुपरवाइज़र, रेफरेंस मैकेनिक, वेटरनरी ड्रेसर, गैस वेल्डर, फेरियर, इंसेक्ट कलेक्टर, डिस्पैचर, बेंच फिटर, गैस फिटर, प्लम्बर। तो ये अलमोस्ट 46 हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, ट्रैक्टर ड्राइवर है, कुक है। उसके अलावा नेक्स्ट में आया है एंड लेबर अटेंडेंट, इसकी 41 वैकेंसीज हैं। उसके बाद स्किल्ड लेबरर, एनिमल अटेंडेंट, साइस माली, नायब कासिद, सेक्रेटरी गार्ड, लेबरर, मसालची, क्लीनर एंड मेस बॉय। तो टोटल 62 इसकी जो है पोस्ट हैं, उसमें अलग से वैकेंसीज़ हैं हर एक पोस्ट की। उसके बाद अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन और फर्दर इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें अगर हम यहाँ से हम स्टार्ट से करते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है तो अलमोस्ट मास्टर्स डिग्री MBBS चाहिए, उसके अलावा एज लिमिट है जो है 32 to 40 ईयर्स। इसमें जो फर्स्ट ऑफ आला है उसमें सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, वन वैकेंसी है। तो ये इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कोने में आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्शंस अप्लाई, तो यहाँ पर अप्लाई पे आपने क्लिक करना होता है। तो आप अप्लाई कर जाएंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद साइन इन करके आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है जो दूसरी थी उसके में थी प्रिंसिपल CMLT, उसके लिए MBBS चाहिए 25 to 30 ईयर्स। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर मैंशन है 23rd January 2022। पैथोलॉजिस्ट, इसके लिए भी MBBS चाहिए, फिर MA BS इन इंग्लिश फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। उसके अलावा DVM, MBBS, तो हर जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से इसकी क्वालिफ़िकेशन है। तो इसको क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एड है और इसमें बहुत सी 62 पोस्ट हैं तो इसकी डिटेल पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसकी पूरी डिटेल पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो 20-30 मिनट की बन जाएगी और कोई देखेगा ही नहीं कि इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपने सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है और बाद में आपने इसकी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई भी करना है और फुल डिटेल्स देखनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहिए। मैंने आपको पोस्ट दिखा दिए हैं कि किस पोस्ट के लिए अगर आप अहल हैं तो उस पोस्ट पे जाएं और देखें और उस पे अप्लाई करें। तो ये इसकी पूरी डिटेल्स थी सारी और इसमें कोटा भी जो है वो भी मेंशन है ऑलमोस्ट सब में, सिंध रूरल, सिंध अर्बन और इसमें पंजाब और दूसरे डिसेबल कोटा भी मेंशन है।
फर्दर मोर यहाँ पर हम नीचे आ गए हैं। अगर मैं आपको अप्लाई करने के मुताबिक बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्लाई यहाँ पर ऑप्शन गिवन है वेबसाइट पे, तो आपने careers.nih पे जाना है। इस पे आपको ये जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है इस तरह का कुछ डेस्कटॉप नज़र आएगा, उस पे आपने किसी पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, मैं कोई भी पोस्ट यहाँ पर देखकर उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसमें सर्च करता हूँ कोई भी। मिसाल के तौर पर मैं इसमें एलडीसी में अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो एलडीसी कहाँ है, ऊपर मैं देखता हूँ कि एलडीसी कहाँ पर है, तो एलडीसी मुझे नज़र यहाँ पर आएगा। एलडीसी ये रहा एलडीसी, तो यहाँ पर अब मैं एलडीसी पे क्योंकि 12 वैकेंसीज हैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मुझे जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा साइन अप का, यानी कि आपने रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें साइन इन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।